हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक नई अपडेट लेकर के आए हैं और यह अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने यूपीपीसीएल में जेई इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम दिया था और उनका डीवी होने के बाद डीवी रिजल्ट भी आ गया था, फाइनली सिलेक्शन लिस्ट भी आ गई थी कि कौन कौन अभ्यर्थी उसमें सेलेक्ट किए गए हैं। अब उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया रह गई थी और उनका ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, वे अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये मान के चलिए 15 जून को उनका ये लिस्ट आया था, सिलेक्शन लिस्ट, कि ये अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद वे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी और कैसे होगी। तो आज हम इस वीडियो में उनको पूरी जानकारी देंगे कि आपका ज्वाइनिंग लेटर कैसे प्राप्त होगा आपको और ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहेगी और ज्वाइनिंग के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज जरूरत पड़ेगी आपको, या क्या क्या आपको बंद या घोषणा पत्र बनाने हैं, वो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। या आपकी कोई समस्या है किसी बिंदु को लेकर के, तो आप वीडियो के कमेंट में अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए जिससे कि हम आपकी पूरी हेल्प कर पाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए आज की डेट में ये लेटर जारी हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश मुख्य अभियंता हाइडल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल ने ये आपका लेटर जारी कर दिया है और आपको पूरी सूचना दे दी गई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत के पद हेतु नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में, कि आपको नियुक्ति ये देनी है उसके संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए ये यहाँ डिटेल्स दी गई हैं, रोल नंबर, नाम, पिता का नाम और इनका जो है पूरा एड्रेस और इनका मेल आईडी। अब यहाँ अपना लिस्ट में मेल आईडी अवश्य आप कंफर्म कर लें कि आपका मेल आईडी सही है, क्योंकि जो भी डिटेल्स आपको मिलेगा वो मेल आईडी के थ्रू मिलेगा और बाय स्पीड पोस्ट आपके घर तक आएगा, यानी कि डाक के द्वारा आएगा और आपको मेल के द्वारा भी सूचना दी जाएगी। तो ये आप अपना ये जो डिटेल्स है आप मिला के देख लीजिए। इसमें देखिए जो डिटेल दिया गया आपका यहाँ इस तरह से दिया गया है, आप इसमें आप अपना नाम और रोल नंबर ये सब चेक कर लीजिए। आपका मेल आईडी सही होना चाहिए क्योंकि आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मेल के द्वारा मिलेगी। इसके बाद देखिए आपको यहाँ से देखेंगे आप यहाँ मुख्य बिंदु आपके लिए कि जो आपकी ट्रेनिंग जो होगी, प्रशिक्षण होगा, वो विद्युत प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा कराया जाएगा। अर्थात आपका ट्रेनिंग वहीं होगा जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था विद्युत प्रशिक्षण संस्थान ETI में। और आपको अभिलेखों की जांच के समय आपको अपने प्रवेश पत्र, पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र सहित निम्नलिखित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, बंद पत्र यथाविधि निष्पादित प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया पूरा डिटेल्स कि आपके कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे, यहाँ पर उन्होंने जिक्र पूरा किया है, आप इसे पढ़ के देख सकते हैं। और आपके इन सभी डॉक्यूमेंटों के ऊपर जो घोषणा पत्र हैं कि आपको किस तरह से ये घोषणा पत्र बनाने हैं, आपको देखिए यहाँ दिए गए हैं ना, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के संबंध में और कहीं आप कार्यरत हैं तो उसका जो है आपको रिलीविंग लेटर लेना है वहाँ से आपको, क्योंकि बिना आप रिलीविंग लेटर के यहाँ चार्ज नहीं ले पाएंगे। और आप ऋण मुक्त हैं, आपने कहीं से लोन नहीं लिया है, चल अचल संपत्ति या घोषणा पत्र है, ये टोटल डिटेल्स। और आप किसी राजनीतिक दल से संबंध तो नहीं रखते हैं या आपका विभाग में किसी से कोई संबंध तो नहीं है, ये पूरा घोषणा पत्र आपको देना होता है। तो इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा जहाँ से आप इस पूरी जानकारी को ले सकते हैं। और विशेषकर आप जो कंफ्यूजन आपको जो होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ थोड़ा परेशान होते हैं। देखिए ये जो आपका है डिटेल्स जो पूरा आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, मैं बस आपको इस बंद पत्र के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए 100 रुपये के मूल्य का एक स्टाम्प पेपर लेकर के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र, जिसमें आपको शपथ ये देनी होगी कि आपके द्वारा तकनीकी ज्ञान और शैक्षिक योग्यता जो भी है वो संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यता संबंधी शपथ पत्र आपको निर्धारित फॉर्मेट पर
करनी होगी और वो आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर करनी होगी। आवेदन पत्र लगी फोटो हस्ताक्षर अंगूठा निशानी इत्यादि उस पर रहेंगे आपके। और उसके बाद आपको बंद पत्र भी बनवाना होता है जिसकी आपको जानकारी पूरी उस वीडियो में मिल जाएगी। और आपको यहाँ देखो साफ साफ बताया गया है यदि नियुक्ति संबंधी संलग्न सेवा शर्तें आपको स्वीकार हैं तो आप महानिदेशक विद्युत प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के समक्ष दिनांक आपको 13/7/2022 को प्रातः 10 बजे उपस्थित होना है। सभी प्रमाण पत्र, घोषणा पत्रों एवं बंद पत्र इत्यादि सहित उक्त प्रपत्रों के सत्यापन हेतु अवश्य में उपस्थित हों। यानी कि जो ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जेई पद पर उन सबको ETI में 13/7/2022 को सुबह 7 बजे उपस्थित होना है अपने डॉक्यूमेंट और प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र और बंद पत्र को लेकर के। और उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग होगा, प्रशिक्षण होगा, वो साफ यहाँ दिया गया है पूर्ण होते हैं आपके टोटल डॉक्यूमेंट पूर्ण हो जाते हैं तो आपको विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजिनी नगर लखनऊ के समक्ष दिनांक 14/7/2022 को कार्यभार ग्रहण करने एवं अग्रेतर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा। यानी कि देखिए यहाँ आपको 13 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और अगले ही दिन 14 तारीख को आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और यहाँ उन्होंने बताया है कार्यभार करने एवं प्रथम तैनाती हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। उपरोक्त वर्णित वांछित समस्त प्रमाण पत्रों प्रपत्रों के प्रारूप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट इतने पर उपलब्ध है। और नहीं तो हम आपको जो वीडियो मिलेगा एंड स्क्रीन पर कि आप कितने घोषणा पत्र लाएंगे, कितने बंद पत्र और आपके शपथ पत्र हैं, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आपको उसका PDF मिल जाएगा जहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं कि हाँ आपके कौन कौन से घोषणा पत्र हैं, उसका प्रारूप क्या है, वो पूरा प्रारूप आपको मिल जाएगा। और यहाँ आप देख रहे होंगे आपके लिए कुछ विशेष सूचना, आप इसे देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और इसके बाद और ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और एक वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा जिसमें आपके टोटल प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र और बंद पत्र के बारे में पूरी जानकारी मैंने दी है, आप वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपकी लिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपको समय से मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।